ज्ञान विधि क्या है और क्यों लेना जरूरी है? क्या नाम आपका? राजेंद्र। आप सचमुच राजेंद्र हो कि आपका नाम राजेंद्र है? नाम है। तो आप खुद कौन हो? कोई बताया राजेंद्र आदमी ऐसा है, बुरा है, दुख लग जाता है? हाँ। आप बोलते हैं तो ये खुद कौन है नहीं पहचाना, मैं ही राजेंद्र हूँ मानते हो, उसके वजह से सब दुख आते हैं। और यहाँ जागृति मिली कि मैं खुद कौन हूँ, राजेंद्र तो शरीर का नाम है पहचानने के लिए, मैं खुद ही आत्मा हूँ। तो फिर राजेंद्र का कुछ भी बुरा व्यवहार हुआ किसी के साथ, किसी ने कुछ बुरा व्यवहार किया राजेंद्र के साथ, तो हमें दुख नहीं लगेगा, तो समझ लेने का कि राजेंद्र से हम मुक्त हुए, आत्मा के अनुभव में आ गए। राजेंद्र को कोई अपमान करे, कोई गाली दे, कोई नुकसान करे, हमें दुख नहीं होना चाहिए, वो हमारा अनुभव प्राप्त करना है हमें, तो आत्मज्ञान से वो अनुभव प्राप्त होता है। ज्ञान पाना किस वास्ते? हाँ हाँ, ये अज्ञानता से अंधेरे में कितनी ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं, लग जाती है चोट, तो प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान है ना प्रकाश। प्रकाश से क्या, हम ठोकर बंद हो जाएगी, मतभेद बंद हो जाएंगे, दुख देने का बंद होएगा, दुख भुगतने का बंद हो जाएगा, तो प्रकाश की ज़रूरत तो है कि नहीं हमें? ये संसारी ज्ञान है, डॉक्टर इंजीनियर वो सब संसारी ज्ञान है, वो रिलेटिव ज्ञान बोला जाता है। इंजीनियर कितना भी एक्सपर्ट होगा मगर बोल्ट पाना सब नहीं है तो कुछ नहीं कर सकेगा। साधन के आधार से यानी रिलेटिव ज्ञान है, और आत्मा का रियल ज्ञान है। अपनी जागृति में रहेंगे तो दो दुख देह से, दुखों से मुक्ति निरंतर रह सकती है, और सबसे तमाम दुखों से मुक्ति पानी वही मनुष्य जीवन का ध्येय है। तो ज्ञान प्रकाश से दुखों से मुक्ति हमें मिल जाएगी।